हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे और फ्रेंड्स हम पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं तो आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण संबंधी जो पुरस्कार है उसके बारे में तो सबसे पहले आता है हमारा टाइलर पुरस्कार जो कि शुरू किया गया था 1973 सेवेंटी थ्री को और ये देता कौन है टाइलर पुरस्कार तो ये देता है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया और इसमें पुरस्कार राशि कितनी होती है तो वो होती है दो लाख रुपए और ये पुरस्कार दिया किसको जाता है तो पर्यावरण स्वास्थ्य एवं ऊर्जा के क्षेत्र में जो अच्छा योगदान देते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है फिर आता है ग्लोबल 500 हंड्रेड ये वर्ष उन्नीस में शुरू किया गया था और ये यू के द्वारा दिया जाता है यू मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जिसका मुख्यालय है नैरोबी कैन् में और पर्यावरण रक्षा एवं सुधार के क्षेत्र में इसको दिया जाता है फिर आता है विटली पुरस्कार जो कि उन्नीस में शुरू किया गया था और ये डब्लू डब्ल्यू द्वारा दिया जाता है डब्लू होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और जो विटली पुरस्कार है इसको हम ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं फिर आता है सासा कावा पुरस्कार जो कि वर्ष 1986 को शुरू किया गया था ये जो विटली जो सासा कावा पुरस्कार है ये भी यू एन द्वारा दिया जाता है और पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योगदान जो करता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है ये जो ऊपर के चार हमने पढ़े हैं ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय है और अब जो ये जी डी बिरला पुरस्कार है ये राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है वर्ष उन्नीस में शुरू किया गया था बिरला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है इसमें पुरस्कार राशि होती है ढाई लाख रुपए और भारतीय संस्कृति एवं ग्रामीण ग्रामीणी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण एवं चिकित्सीय देखभाल हेतु दिया जाता है तो ये ये राष्ट्रीय पुरस्कार है और ये ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण चिकित्सीय देखभाल और संस्कृति के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है फिर आता है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो कि वर्ष उन्नीस में शुरू किया गया था और ये देता कौन है तो ये देता है भारत सरकार किसी संगठन या व्यक्ति को पर्यावरण क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है फिर आता है हमारा राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार तो ये वर्ष उन्नीस तिरानवे से शुरू किया गया था और ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ये राजीव गांधी वन्य जीव पुरस्कार जो है ये देश मतलब हमारे भारत देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पर्यावरण के क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों और इकाइयों को पर्यावरण संरक्षण संबंधी योजना लागू करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है फिर आता है बाइनियल पुरस्कार यह एन द्वारा दिया जाता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एन मतलब होता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और टाइगर रिजर्व के प्रबंधन के में अस्थाई जनता की भागीदारी को प्रोत्साहन हेतु दिया जाता है बायनियल पुरस्कार तो फ्रेंड्स ये हो गया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो भी देख लीजिए क्योंकि पिछला वीडियो भी बहुत ही मज़ेदार है उसमें हमने पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र राश्ट, अंतर्राष्ट्रीय योगदान राष्ट्रीय योगदान जो भी संगठन और समितियाँ थी वो सब पढ़े हैं हमने और अभी हम पढ़े हैं पुरस्कार तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में